आपका सवाल एक्सप्रेस में मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञान माने। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं में पहला स्थान बनाने वाले दोनों टॉपर मुंगेली जिले से हैं। हर साल के मुताबिक इस साल में छात्राओं ने बाजी मारी है। इस साल 10वीं में 73.62% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सिंह बातचीत की सत्या राजपूत ने। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम मौजूदरी जी, अभी रिजल्ट जारी किए हैं, ज्यादातर लड़कियों ने पास। अभी रिजल्ट घोषित हुआ है और सभी उत्तीर्ण हुए सभी बालक बालिकाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जो 10th में जो रिजल्ट आया है वो 73.62% इस साल का रिजल्ट रहा था 10वीं का। उसमें बालिकाओं का जो परसेंट रहा 76.28 और बालकों का जो परसेंट रहा 70.53% रहा। 12वीं का जो रिजल्ट इस साल का रहा 78.59 रहा, उसमें बालिकाओं का परसेंट 82% रहा और बालकों का 74.70% उसमें रहा। तो सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य शुभकामना देता हूँ। जो टॉप 10 में रहते हैं उनको हर साल पुरस्कृत किया जाता है, इस बार का क्या है? और जो हर साल अब जो टॉपर में आते हैं, जो टॉप करते हैं, उनको पुरस्कार करने की व्यवस्था रहती है, सब हम लोग करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में 100 के 100% रिजल्ट रहा है और यहाँ टॉप के भी बात करें तो एक ही जिले में 10वीं 12वीं दोनों के टॉप किए हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने जो विद्यार्थी टॉप किए उन्हें बधाई दी है और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उन्हें कहा है कि वो धीरज रखें और अगले परीक्षा में बेहतर करने की कोशिश करें और टॉप लिस्ट में आते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। कैमरामैन जगत के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।